पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा नेता के बिगड़े बोल आजम खां को बताया सबसे बड़ा आतंकवादी। तीसरे चरण मतदान के अंतिम दिन मुरादाबाद प्रचार के लिए पहुंचे भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा ने आजम खान को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी बताते हुए कहा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और अब मुरादाबाद और रामपुर के लोग उसे पागलखाने छोड़ आएंगे, नहीं तो इसे इमरान के पास पाकिस्तान भेज देंगे। प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद में व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को राम कहकर संबोधित किया और कहा कि ये आप लोगों को सोचना है कि आपको श्री राम की सेना में रहना है या रावण के साथ जाना है। भगवान श्री राम का नाम सुनना, माँ कहती है ये तुम्हारे दादा हैं, ये तुम्हारे दादी हैं, ये चाचा हैं, चाची हैं, ये तुम्हारे पिता हैं। हमने भगवान राम को तो नहीं देखा। हनुमान जब भगवान राम सिंह वनवास पूरा करके आए थे तो राम ने कहा था कलयुग में अवतार लूंगा, तो राम के रूप में अवतार लिया है नरेंद्र मोदी ने। और ये राम रूप अवतार रूपी राम भारत का कल्याण करेंगे, जैसे कभी भागीरथ आए लाए थे, गंगा लाए थे, पूरे विश्व का कल्याण किया था, ऐसी भगवान राम के रूप में मोदी, लक्ष्मण के रूप में योगी और 130 करोड़ देवतुल्य जनता, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये 130 करोड़ देवतुल्य जनता ये बजरंग मन की बन जाएगी और ये बन जाएगी बजरंग बली हनुमान। और ये अपने राम का गठबंधन क्या है, अपने राम का राज तिलक करेगी 2019 में और राम को दोबारा से प्रधानमंत्री बना के अब लोकसभा भेजेगी और हमारा राम भारत को विश्व बनाएगा, दोबारा से सोने की चिड़िया बनाएगा। और ये गठबंधन क्या है, ये गठबंधन ठगों का गठबंधन, ये गठबंधन लालचियों का गठबंधन, ये गठबंधन महापापियों का गठबंधन, ये गठबंधन रावण की सेना है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई ये राम की सेना है। अब जनता को फैसला करना है कि राम के साथ जाना है या रावण के साथ। जनता समझ रही है 36-37 सीटों पर लड़ने वाले प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। एक दिन आएगा सोमवार को कहेंगे ये प्रधानमंत्री, मंगल को ये प्रधानमंत्री, बुध को ये प्रधानमंत्री, शुक्र को ये, शनिवार को ये, पर रविवार को बाबा पप्पू बाबा का नंबर आएगा ही नहीं, पर रविवार को छुट्टी, पप्पू बाबा इंतजार करे, पप्पू बाबा कहीं जाएंगे नहीं। तो अब आप साथियों के प्रधानमंत्री सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार का चाहिए या प्रधानमंत्री आपको वो चाहिए 56 इंची सीने वाला जिसने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करके उसके घर में मारा, जिसने पाकिस्तान को पुलवामा में मेरे 44 मेरे वीर शहीदों का जान का बदला लेके 400 लोगों को मार गिराया और हमने पाकिस्तान के गले में जाके पाकिस्तान के घर में जाके हमने एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक ही पिछली सरकारें आती थी करेंगे, देखेंगे, देख रहे हैं, यही कह के बात करेंगे यही कह के रात हो जाती थी, सुबह हो जाती थी, रात भी गई, सुबह भी गई, बात खत्म हो जाती थी। पर नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना देखेंगे, ना सोएंगे, ना सोने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना करने देंगे, पाकिस्तान के आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब उनके घर में घुस कर देंगे। अब आपको फैसला, ये जनता देख, पूरी जनता जानती है, ये बजरंग बली की जनता जानती है कि अपने राम का रास्ता है। और एक बगल वाला कौन है, बगल वाला मुरादाबाद के, क्या नाम है उसका, आजम खान नहीं है वो, औरंगजेब की आत्मा किसमें खुशी आई है, आजम खान है। जैसे मुगलों के शासन में औरंगजेब, गौरी और बाबर हिंदू बहन बेटों का अपमान करते थे, वही आजम खान कर रहा है। और मुझे लगता है इमरान खान जल्दी उसको बुलाने वाले हैं पाकिस्तान, मुझे लगता है, नहीं तो ये रामपुर की जनता, मुरादाबाद की जनता, देश की जनता जल्दी बरेली के पागलखाने में आजम खान को भेज देगी, इसका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है। औरंगजेबी आजम खान, अब